पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2022 सुपर फोर का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों टीमें फाइनल में भिड़ती हुई नजर आएंगी और उससे पहले ही दोनों टीमों के लिए यह सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा है। बात करें अगर टॉस की तो श्रीलंका के कप्तान दानिश लंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय किया। पाकिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया गया। बात करें अगर पाकिस्तान की बल्लेबाजी की तो टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम के एशिया कप 2022 के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवान चोट से भी परेशान है और इसके बावजूद भी वह खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुकाबले की बात करें तो उन्होंने 14 गेंदों में मात्र 14 रन का योगदान दिया। इस दौरान मोहम्मद रिजवान ने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। मोहम्मद रिजवान के बल्ले से ना तो चौका आया ना ही छक्का आया। और वह प्रमोद मधुसूदन जो कि श्रीलंका की तरफ से इस मुकाबले में डेब्यू कर रहे हैं उनकी गेंद पर आउट हो गए। कुशल मेंडिस ने एक शानदार कैच पकड़ते हुए मोहम्मद रिजवान को पवेलियन की राह दिखाई। आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवान अफगानिस्तान के खिलाफ पिछले मुकाबले में भी केवल 20 रन का ही योगदान दे पाए थे। इससे पहले उन्होंने हांगकांग के खिलाफ 78 रन नवाद की पारी, भारत के खिलाफ 71 रन की पारी, इसके अलावा भारत के खिलाफ हुए लीग स्टेज के मुकाबले में भी 43 रन की पारी खेली थी। लेकिन पिछले दो मुकाबलों से मोहम्मद रिजवान आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। बहरहाल फाइनल मुकाबले में मोहम्मद रिजवान क्या कुछ करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है उनकी इस बल्लेबाजी और इस मुकाबले में की गई बिना बाउंड्री वाली इनिंग को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए गन इंडिया। नमस्कार।